से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन हिट कर दो, और ये वीडियो आप शुरू होने से पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ये बात आ गई कि प्यारा आका का अमल फजर के बाद क्या था, ज़ोहर के बाद क्या था, असर के बाद क्या था, मगरिब के बाद क्या था। अब हमारे नबी का वो अमल जो इशा के बाद क्या रहा उसको बताया जाएगा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इशा के बाद कोई इधर उधर की मजलिस करने का नहीं था, बल्कि नमाज से फरागत के बाद सीधा घर की तरफ रुख कर लेते थे। और आप अलैहिस्सलाम इशा की नमाज के बाद दुनियावी बातों में लगना बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, न खुद दुनियावी बातों में लगते और न किसी और को लगने देते। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जज़ब लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्समुरा बादल इशा यानी ज़जरोना। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद बातचीत करने से डांटा, इधर उधर की बातों में मशगूल होने से डांटा। यानी डांटना कब पड़ता है? हर कोई जान सकता है कि भाई डांटा उस वक्त जाता है जब कोई गलत काम हो रहा हो, खिलाफ शरअ काम हो रहा हो, अच्छी बात ना हो, भलाई वाली बात ना हो, नुकसान वाली बात हो, तब बड़ा जो है हमारा रहबर हो, मुर्शिद हो, रहनुमा हो या हमारा खैरखा हो, उस वक्त डांटता है। तो भी इशा के बाद दुनियावी बातों में लगना कितनी ख़राब चीज़ होगी, कितनी जो है बुरी चीज़ होगी कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटना पड़ा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी मुस्तकिल उसका बाब बांधा है कि इशा के बाद बातचीत करना कैसा है, और उसके ज़िम्न में रिवायत लाए कि इशा के बाद बातचीत करने से प्यारे नबी ने मना फरमाया। अब देखिए हमारा कितना बड़ा मजमा, कितने कसीर तादाद में लोग इशा के बाद घरों में जाने के बजाय बाज़ारों में ठियों पर अपना वक्त गुजारते हैं। अफसोस मेरे बुज़ुर्गों, कितना कीमती वक्त हमारे पास था कि रात को हम जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, अल्लाह के सामने आहोजारी में गुजारते हैं, तहज्जुद में गुजारते हैं, कुरान करीम की तिलावत में गुजारते हैं, उसके बजाय इधर उधर बैठकर काफ़ी देर तक हम अपने वक्त को ज़ाय करते रहते हैं। अब अगर हमें सही मानों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हम इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा के बाद दुनियावी बातों में, दुनियावी कामों में लगना पसंद नहीं था। कितना पसंद नहीं था कि हमें जो है डांटने की नौबत आ गई। हम जो है इस बात का कयास करें कि खुदा न खास्ता मैं ऐसा अमल कैसे कर सकूं कि जिसकी वजह से मेरे प्यारे आका को डांटने की नौबत आ जाए। यूँ सोच लें कि मैं जो है बाहर बैठा हुआ हूँ और प्यारा आका तशरीफ़ लाए और मुझे देखकर मुझे डांट दिया। यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह हम होते तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटते, तो ये सोचे कि आज भी जो है प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पसंद नहीं है और मैं इशा के बाद दुनियावी बातों में, दुनियावी कामों में मशगूल होता हूँ, तो यूँ समझ लीजिए कि प्यारा आका मुझे डांट रहे हैं, मुझे डांट पिला रहे हैं, मुझे जो है कोसते हैं कि जो है मेरा उम्मती इशा के बाद इधर उधर की बातों में मशगूल रहना अच्छी बात नहीं है। तो उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डांटा, आज हम यूँ समझे कि प्यारा आका मुझे डांट रहे हैं। अल्लाह के बंदे ऐसे काम क्यों करें? एक शरीफ बेटा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं ऐसा काम क्यों करूं कि जिसकी वजह से मेरे बाप को मुझे डांटने की नौबत आ जाए।
एक शरीफ तालिब इल्म इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे उस्ताद की मुझे डांट डपट सुननी पड़े। मेरे बुजुर्ग, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हमें ये कैसे जिद देता है कि हम ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटने की नौबत आ जाए। अब उसी को जो है अपने अंदर बिठाना है, दाखिल करना है कि मैं अगर बाहर बैठकर इधर उधर के कामों में लगता हूँ, बातें करता हूँ, तो प्यारा आका मुझे डांट रहे हैं और हरगिज हम प्यारा आका की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मौजूद नाजरीन और मौजूद सामीन, हम अपनी इस कभी आदत से छुटकारा पाइए। छुटकारा पाने के लिए कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह ये बुरी लत हमारी छूट जाए, ये बुरी आदत हमारी छूट जाए। ये कीमती वक्त जो प्यारा आका ने हमारे लिए जो है हमारे लिए रहबरी फरमा दी कि देखो ईशा के बाद इधर उधर की बातों मशगूल ना रहें, यानी इसका मतलब ये कि अच्छे कामों में अपने वक्तों को लगाएं। हाँ, बीवी के सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, दीन की बात कर सकते हैं, दुनियावी दीनी कामों में अपने आप को लगा सकते हैं, लेकिन दुनिया के कामों में अपने वक्त को नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमाए और प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस जो है फरमान पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत का इस्तेहजार नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।